नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट कब शुरू हुआ जानते हैं? लॉकडाउन, वो चीज जिसने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लोगों का नजरिया बदल के रख दिया। और इस चेंज की शुरुआत किसने की? राक्षसी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, जिसको देखने के बाद 99 को भी लोगों को पहली बार रियलाइज हुआ साउथ में वो सिर्फ लात घुसा मुक्का लात नहीं सॉलिड कंटेंट भी बनता है, जिसको बड़ी चालाकी से हम सबसे छुपा के रखा गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर्स अपना करियर रीमेक्स के दम पे चला रहे थे वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और इसका ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश एग्जांपल है अक्षय कुमार की कठपुतली। अगर आपने ओरिजिनल फिल्म राक्षसन देखी है तो आपको अक्षय कुमार के हाथों की कठपुतली बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो लोग जो पहली बार इस कहानी से मुलाकात कर रहे हैं, आपको छोटा सा इंट्रो करा दे फटाफट, फिर बताती हूँ अक्षय पास है या फिर कसौली है पहाड़ों का शहर, सुंदर शांत और क्राइम से बिल्कुल दूर। लेकिन फिर इस शहर की गली गली में गिफ्ट मिलने लगते हैं। अंदर एक डॉल है जिसके चेहरे पे निशान है और उसकी आंख गायब है। और हाँ, डॉल का पूरा शरीर नहीं सिर्फ गर्दन के दर्शन होते हैं। अब बॉस इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जब ये गिफ्ट मिलते हैं उसी टाइम शहर में एक लड़की गायब होती है, बाद में जिसकी सिर्फ लाश मिलती है। वैसे ये कोई मामूली मर्डर नहीं है, खून करने वाले का असली मकसद है मौत से पहले इंसान को जिंदा रख के उसको ज्यादा से ज्यादा चोट मिल जाना, और बाद में डेड बॉडी को कहीं छुपाने की कोशिश या जमीन में गाड़ के सबूत जाना बिल्कुल नहीं, उल्टा शहर के सबसे भीड़ वाले इलाके में खुला सजा के रख देना ताकि मर्डर का किलर को पूरा मिलना चाहिए। वो पुलिस से भागना नहीं चाहता, पुलिस को अपने पीछे भगाना चाहता है। और कहानी का असली ट्विस्ट आप जानते हो क्या? वो पुलिस ऑफिसर जो इस केस को लीड कर रहे हैं वो बाहर वालों को क्या बचाएंगे जब खुद उनके घर से उनकी बहन की बेटी गायब हो जाती है? देखो बॉस, ऑनेस्टली इस फिल्म को आप दो तरीके से जज कर सकते हो। एक तो बिल्कुल फ्रेश नहीं तरह अगर आपने ओरिजिनल देखी ही नहीं, इस केस में कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, पॉपकॉर्न मर्डर मिस्ट्री का फील आएगा जिसके क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव आपको होश उड़ा देगा। लेकिन मैंने जो देखी है और कंपैरिजन करना हम हिंदुस्तानियों के खून में है तो कंपैरिजन तो जरूर होगा। एक लाइन का रिव्यू सिर्फ इतना सा है कि कुछ फिल्में सिर्फ एक बार में अच्छी बनती है, उनको वैसे का वैसा छोड़ देना चाहिए, रीमेक करके डिस्टर्ब करोगे फेल हो जाओगे। कठपुतली ओरिजिनल राक्षसन के आसपास भी नहीं है, दोनों फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क है। सुनने में बुरा लगा तो लगना भी चाहिए। अक्षय कुमार के साथ एकदम बॉलीवुड मसाला टाइप है जिसमें कॉमेडी और रोमांस के लिए जबरदस्ती जगह बनाई गई है। ये सब फालतू चीजों की वजह से कहानी की जो सीरियसनेस होती है उसको सबसे बड़ा झटका लगता है। प्लस ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में सबसे अंडररेटेड चीज होती है उसका स्क्रीन प्ले, एक जो कहानी से दूर जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कठपुतली आपको छोड़ देती है, अक्षय और अकुल की कहानी आगे बढ़ रही है, आप जाओ घर के बाहर टहलाओ, मर्डर मिस्ट्री बाद में सॉल्व कर लेंगे। रुको रुको, मुझे पता है कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि आजकल बॉलीवुड में जो बन रहा है उससे तो अच्छी है ये फिल्म, ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। कठपुतली के राइट्स आपको पता है हॉटस्टार ने 180 करोड़ में खरीदे हैं, कोई समाज सेवा नहीं चल रही है, जबकि जो ओरिजिनल फिल्म थी राक्षसन उसने 50 करोड़ का बिजनेस किया था। चालाकी समझ आई आपको? थिएटर में आजकल बॉलीवुड की 5-6 फिल्में एक साथ मिलकर 180 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, तो बस ये बहाना बिल्कुल मत देना कि बाकी जो बन रहा है उससे तो अच्छा है। जब तुम्हें कॉन्टेंट देखना है तो ओरिजिनल देख लो। प्लस एक बात और बोलूँ, कुछ लोगों का दिल टूट जाएगा, अक्षय इस फिल्म में मिसफिट लग रहे हैं। इस कैरेक्टर में कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अक्षय की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे मानो उन्हें सब कुछ आता है। और दूसरी चीज, उनका जो क्लाइमेक्स है वो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज भागता है। फीलिंग्स और इमोशंस को धक्का मार के ट्रेन से नीचे फेंक दिया, बस जल्दी जल्दी में ओरिजिनल कहानी को खत्म करना था तो कर दिया। ओरिजिनल फिल्म में जो क्लाइमेक्स आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड सीन तक पहुंचने का रास्ता बहुत डरावना है। वैसे